पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शनिवार को 13 मार्च 2023 को रात के समय कुछ मुस्लिम युवक जबरन घुसकर चादर चढ़ाने की कोशिश की थी। अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं नासिक पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद हुई कार्रवाई को लेकर नासिक आईजी बीजी शेखर का कहना है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जबरन घुसने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से पुलिस को जानकारी दी गई थी कि 13 मई को 10 से 12 मुस्लिम युवक जबरन मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश की। उनके पास हरी चादर और फूलों के गुच्छे थे। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर भीड़ के इकट्ठा होने की कथित घटना पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। उप मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी रैंक के अधिकारियों की अध्यक्षता में एक एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है। एसआईटी न केवल इस साल बल्कि पिछले साल की घटना की भी जांच करेगी।